हेलो दोस्तों, वी आर क्वेयर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं निलय आज फिर से आपके लिए बहुत ही रोमांटिक गे लव स्टोरी लेकर के आया हूँ। मुझे उम्मीद है आपको स्टोरी सुनकर बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ वो स्टोरी एक ट्रक ड्राइवर की है और एक सीधे साधे लड़के की जो रास्ते में कहीं मिल जाता है। इस स्टोरी को हमने रिक्रिएट किया है और एक सच्ची घटना पर ये कहानी आधारित है, तो स्टोरी को शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा। अब दोनों के बीच एक रात बहुत कुछ हो जाता है जिसकी उन्हें उम्मीद तक नहीं थी, तो आज आप लोग इस स्टोरी को काफी ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं। तो चलिए और ज्यादा देरी नहीं करते और स्टोरी की ओर चलते हैं। ये कहानी असल में है वीरेंद्र की, जो एक ट्रक ड्राइवर बन जाता है, जिसकी उम्र अभी फिलहाल 28 साल है और बिहार का रहने वाला है। वह एक मिडिल क्लास फैमिली से है। उसकी फैमिली में उसके माता पिता, भाई भाभी और एक बहन है। वीरेंद्र को शुरू से ही ड्राइविंग का बहुत शौक रहा है। इसी शौक के चलते वह हर तरह की गाड़ियां चला लेता था और काफी पहले ही ड्राइविंग लाइसेंस भी अपने लिए बनवा लिया था। बाइक और कार चलाना तो उसे पहले से ही आता था, लेकिन ट्रक चलाना उसने हाल ही में अपने पड़ोस वाले भैया जी से सीखा था। वीरेंद्र पढ़ा लिखा और एक ग्रेजुएट लड़का था। पढ़ाई लिखाई खत्म हो जाने के बाद वीरेंद्र भी हर किसी की तरह ही कोई अच्छी सी जॉब की तलाश में जुट गया था, पर किस्मत ने साथ नहीं दिया। वो हर जगह इंटरव्यू दिया करता, पर शायद किस्मत खराब थी और जब भी कहीं पर जाता इंटरव्यू के लिए वो रिजेक्ट हो जाया करता था। घर वाले बहुत परेशान थे वीरेंद्र के लिए। जॉब की तलाश करते करते वीरेंद्र बहुत ज्यादा हताश रहने लग गया था, क्योंकि काफी समय बीत चुका था पर जॉब नहीं मिल रही थी। उसे हमेशा से ही इंटरव्यू में किसी न किसी कमी की वजह से रिजेक्ट कर दिया जाता था। उसे इस तरह परेशान होता देख करके उसके पड़ोस वाले भैया ने वीरेंद्र से कहा कि देखो भाई, पढ़े लिखे तो हो और ड्राइविंग का शौक भी रखते हो, काम करने में अगर शर्मिंदगी ना हो तो ड्राइविंग का जॉब अगर करना चाहो तो कहो, मैं अपने मालिक से बात करूंगा। वीरेंद्र ने पूछा कि भैया क्या करना होगा ये बताइए और क्या चलाना होगा ये भी बता दीजिए। तब वो भैया कहते हैं कि तुम ट्रक तो चला ही लेते हो, क्यों ना तुम ड्राइविंग लाइन में अपना हाथ आजमाओ, वैकेंसी भी है, तुम कहो तो मैं अपने बॉस से बात कर दूंगा, पैसे भी बहुत मिलेंगे और घूमने को भी मिलेगा। अब वीरेंद्र भैया की बात मान जाता है, उसको उनकी बात अच्छी लगती है। उसने भैया से बोल दिया कि भैया बात कर लीजिए और मुझे ये भी बता दीजिए कि कब कहाँ से स्टार्ट करनी है ये जॉब और कहाँ से कहाँ तक मुझे ट्रक चलाना होगा वो भी बता दीजिए। वैसे तो मैं हर जगह हाथ आजमा के देख चुका हूँ, नौकरी कहीं नहीं मिल रही है, कुछ नहीं तो यही सही। तब फाइनली वो भैया अपने मालिक से बात करते हैं, अपने बॉस से बात करते हैं और वीरेंद्र को यहाँ पर ड्राइवर की जॉब मिल जाती है। अब उसके जो बॉस थे वो बहुत अच्छे इंसान थे, सैलरी भी अच्छी देने वाले थे। वीरेंद्र कहता है कि बहुत बहुत शुक्रिया भैया, ड्राइविंग की ही जॉब क्यों ना हो, शायद नसीब में यही है। अब नौकरी पाकर वीरेंद्र बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि ड्राइविंग तो उसका शौक ही था और उसको ड्राइवर की जॉब मिल गई थी। कुछ दिनों तक वीरेंद्र ने भैया के साथ उन्हीं के ट्रक पर हेल्पर के तौर पर काम किया। एक पढ़ा लिखा हो करके वीरेंद्र को यह काम छोटा नहीं लग रहा था, वीरेंद्र का ये बड़प्पन ही तो था। वो हर तरीके से उस जॉब को एंजॉय कर रहा था। वो हेल्पर के तौर पर रूट को जानने में लगा था और सीख रहा था कि कहां से कौन सी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करती है, लोडिंग अनलोडिंग कब और कहाँ करनी है, वो हेल्पर के तौर पे सीखने लगा। अब वीरेंद्र जब भी भैया के साथ ट्रक पर जाता, भैया हमेशा ही साइड में बैठ जाते थे और वीरेंद्र ही ट्रक चलाता था। बहुत जल्दी उसने सारे रूट जान लिया और वह बहुत अच्छे से ट्रक चलाना भी सीख चुका था। अब उसके मालिक ने वीरेंद्र को एक ट्रक भी दे दिया था ताकि उसे वीरेंद्र चलाना शुरू कर सके, जिसे लेकर वो हर रोज माल को लोड करके जिस एड्रेस की बुकिंग होती थी, जहां पर माल पहुंचाना होता था, वो वहां पर सामान पहुंचाने के लिए ट्रक ले जाया करता था। ज्यादातर उसे दूर की ही बुकिंग्स मिलती थी जहां से वह एक दिन में वापस लौट नहीं सकता था। उसे सामान पहुंचाने में कई दिन लग जाया करते थे। वीरेंद्र अकेले ट्रक ले जाता था
अकेले होने की वजह से उसे बहुत दिक्कतें हो रही थी। वीरेंद्र की परेशानी को देखते हुए उसके बॉस ने एक हेल्पर रखने के लिए बोल दिया था। वीरेंद्र सोच ही रहा था कि कोई मेहनती और भरोसे का लड़का मिल जाए तो वह उसे अपने साथ हेल्पर और क्लीनर के तौर पर रख लेगा, जिसे मैकेनिक वाला भी काम थोड़ा मुड़ाता हो। एक दिन उसे एक बुकिंग लेके सामान पहुंचाना बहुत जरूरी था। पटना से राजस्थान निकलना था। वह पटना से रात 9 बजे के बाद राजस्थान के लिए निकला। अब रात को जो रोड है वो क्लियर होती है और सामान आसानी से पहुंचाया जा सकता है, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती। रात का समय था। वो जैसे कुछ दूर पर गया, रास्ते में एक 22-23 साल का सुंदर सा लड़का हाईवे पर लिफ्ट मांगता दिखा। वह वहां से निकलने वाली हर गाड़ी को हाथ देकर रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई भी इंसान अपनी गाड़ी रोक के उसको लिफ्ट नहीं दे रहा था। उस लड़के ने वीरेंद्र को भी लिफ्ट के लिए हाथ दिया। वीरेंद्र ने ठीक उसके सामने गाड़ी रोक दी। उसे पूछा, क्या बात है? उस लड़के ने कहा, क्या आप मुझे शहर तक लिफ्ट दे सकते हो? वीरेंद्र ने बोला, शहर तो काफी दूर है और काफी रात भी है, फिर भी कोई बात नहीं, चलो ठीक है, आ जाओ, जहां तक होता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वीरेंद्र ने उस लड़के को लिफ्ट दे दी। वीरेंद्र ने पूछा, तुम यहाँ कब से लिफ्ट लेने की कोशिश कर रहे हो? रात का समय है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़के ने बोला, मेरा नाम आसिफ है, मुझे ऑफिस से निकलने में देर हो गई, मैं आधे घंटे से यहाँ सुनसान जगह पर खड़ा हूँ, क्योंकि यहाँ से मुझे लगा कि लिफ्ट मिल जाएगी और मैं घर जल्दी पहुंच जाऊंगा। मैं फील्ड वर्क के लिए यहाँ पर आया था, यहाँ से 3 घंटे का रास्ता है। वीरेंद्र ने बोला, क्या काम करते हो आसिफ? आसिफ बोला, मैं एक कंपनी में मार्केटिंग का काम करता हूँ, अक्सर मुझे कंपनी के काम से बाहर जाना पड़ता है। वीरेंद्र पूछता है कि सैलरी तो अच्छी होगी तुम्हारी? आसिफ कहता है, नहीं, सैलरी बहुत कम है और बहुत ज्यादा हार्ड वर्क है, फील्ड में यहाँ वहां जाना, खुद के लिए टाइम भी नहीं दे पाता। मैंने बहुत ट्राई किया और कोई जॉब नहीं मिली और आय का दूसरा साधन भी नहीं है ना, तो मेरे आगे पीछे कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं, इसलिए मैं ये फील्ड वर्क वाला जो मार्केटिंग का काम है वो करता हूँ, आसिफ ने बताया। आपको बता दें कि आसिफ एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करता है। वह बचपन से ही अपने आप को दूसरों से अलग महसूस करता आया था। वह जब भी लड़कों को देखता तो उससे लड़कों के प्रति एक अलग लगाव सा महसूस होता था। जब वह बड़ा हुआ वह समझ चुका था कि वह एक गे है। जब उसके परिवार वाले उसके शादी की बात करने लगे तब आसिफ एक लड़के के प्यार में था। दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। दोनों ने प्यार में जीने मरने तक की कसम खा रखी थी। इसलिए आसिफ ने हिम्मत जुटा करके अपनी फैमिली को बता दिया कि उसके लिए कोई लड़की न ढूंढे शादी के लिए, वह एक गे है और उसे लड़कियों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप जबरन शादी करेंगे तो लड़की और मेरी दोनों की ही जिंदगी खराब करेंगे। ये बात सुनते ही उसकी फैमिली बौखला गई और उसके दुश्मन बन गए। उन्होंने बहुत प्रेशराइज किया, ट्रीटमेंट कराने की कोशिश की और लड़कियों के रिश्ते भी लाने लगे, पर देखा कि आसिफ मान ही नहीं रहा ना, उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है। तब अंत में फैमिली ने इज्जत जाने के डर से आसिफ को घर से बेघर कर दिया था। और घर से निकाले जाने के बाद आसिफ कुछ दिन अपने फ्रेंड के साथ रहा, फिर जॉब ढूंढते हुए उसने एक रूम ले लिया था। कुछ ही दिन में आसिफ और उसके जो पार्टनर जो था उन दोनों के बीच में आसिफ के जॉब की वजह से ट्रस्ट इश्यूज होने लगे थे, लड़ाइयाँ होने लगी थी और फिर फाइनली बहुत सारी लड़ाई झगड़े के बाद उन दोनों का ब्रेकअप हो गया और दोनों अलग हो गए थे। अब आसिफ कहीं का नहीं रह गया था, ना ही एक रिलेशनशिप में बॉयफ्रेंड का और ना ही अपनी फैमिली वालों का। अब धीरे धीरे आसिफ को अकेलापन महसूस होने लगा, डिप्रेशन में जाने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह लाइफ में आगे करेगा। उसने ऑनलाइन एप्स पर लोगों से चैटिंग शुरू कर दी और सोचा कम्युनिटी के लोगों से ही कनेक्टेड रहेगा। उसके बाद तो मानो आसिफ पूरी तरीके से बदल गया। उस एक ब्रेकअप ने उसकी जिंदगी बदल दी थी। अब वह अपने अकेले रहने का फायदा उठाने लगा। वह अक्सर नए नए लोगों से मिलता, हुकअप्स करता था। अब उसकी आदत ऐसी हो गई थी कि वह कुछ भी कर सकता था अपनी नीड्स के लिए। थोड़ी देर की चैटिंग से या तो खुद किसी के बेड पर होता है या कोई उसके बेड पर। अब तो उसकी हर किसी पर नजर खराब रहती थी। वह किसी हैंडसम आदमी को देखता तो उसके साथ सोना चाहता। आसिफ खुद भी बहुत क्यूट था। उसका रंग गोरा, आंखें नीली और उसका छरहरा बदन किसी को भी अपना दीवाना बना देता। आज जैसे ही उसने वीरेंद्र को देखा उसके मन में वीरेंद्र के साथ कांड करने के प्लान्स बनने लगे। मन में नए नए आइडियाज आने लगे उसे रिझाने के लिए।
और प्लांट्स बने भी क्यों ना। वीरेंद्र था ही एक तगड़ा नौजवान मर्द। वीरेंद्र की बॉडी नेचुरली फिट थी, उसका रंग गेहुआ था, वह 28 ईयर का एक हट्टा कट्टा जवान था। वीरेंद्र को देख के आसिफ के मुंह में पानी आ रहा था। वह सोच रहा था कहां से मुझे मिल जाता, इसलिए वह बार बार वीरेंद्र से चिपकने की कोशिश कर रहा था और उस पे नजर लगा रहा था, लाइन मार रहा था। वह बातों बातों में वीरेंद्र को बार बार छूता रहा। कभी अचानक ट्रक बंद हो जाती है, उतर करके वीरेंद्र चेक करता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आती कि खराबी क्या है। रात का समय था। वीरेंद्र ट्रक को साइड में खड़ा करके देखता है कि ट्रक में ये प्रॉब्लम कैसी है। रात ज्यादा थी, कुछ समझ नहीं आया उसे। वीरेंद्र आसिफ से कहता है कि पता नहीं अब ट्रक में क्या प्रॉब्लम आ गई है, अब तो आज डिलीवरी पूरी हो नहीं सकती, अब सुबह ही कुछ करना पड़ेगा, पूरी रात यहीं पर काटना पड़ेगा। आसिफ को कहता है कि अगर मेरी बात मानो तो तुम कोई दूसरा लिफ्ट वगैरह लेके चले जाओ, क्योंकि अब तो गाड़ी यहीं लगानी पड़ेगी। लेकिन मन ही मन आसिफ ये सोचता है कि उसके मन की मुराद पूरी हो गई। आसिफ यही तो चाहता था, वह तो चाहता था कि एक मौका मिले वीरेंद्र के साथ। तभी वीरेंद्र कहता है कि लिफ्ट अभी भी ले सकते हो, जा सकते हो, सुबह तक कोई हेल्प नहीं आनी है, मैं इस चीज को लेकर के बिल्कुल श्योर हूं। लेकिन आसिफ उसे छोड़कर जाने के लिए मना कर देता। आसिफ कहता है कि आपने मुझे लिफ्ट दी, जब किसी ने नहीं दिया तो मैं आपको रात में अकेला छोड़कर कैसे चला जाऊंगा। कोई बात नहीं, मैं घर पे कॉल कर दूंगा, बता दूंगा कि देरी हो जाएगी या दोस्त के यहाँ रुक जाऊंगा, पर आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। वीरेंद्र कहता है कि अच्छा आसिफ, सोच लो, रात का वक्त है, सुनसान जगह है, बाकी तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम रुकना ही चाहते हो तो कोई बात नहीं, वो तो और भी अच्छा है, ट्रक में सोने के लिए बहुत जगह है और मेरे पास बिस्तर भी है, तो जागने से कोई फायदा नहीं है, चलो अब सो जाते हैं, इससे टाइम भी पास हो जाएगा, रात गुजरेगा, नई सुबह होगी और फिर हम निकल लेंगे। आसिफ को तो मानो इसी मौके का इंतजार था, उसने बिना देरी किए तुरंत ही हाँ कह दिया। दोनों लोग दरवाजा लॉक करके ट्रक में ही लेट जाते हैं। वीरेंद्र को तो नींद आने लगती है, लेकिन आसिफ को अब नींद कहाँ आने वाली थी। उसके तन बदन में हलचल मचने लगी और जिस्म तड़पने लगा। वह बार बार करवट बदल रहा था, उससे रहा नहीं जा रहा था। वह जानबूझकर वीरेंद्र को बार बार टच कर रहा था नींद के बहाने, वीरेंद्र के बॉडी को बार बार छूता रहा। आसिफ को लगा कि वीरेंद्र शायद सो गया है, तब उसने वीरेंद्र के साथ एक ऐसी हरकत कर दी जो शायद कोई भी करने से डरता। उसने वीरेंद्र के पैंट पर वहां पर हाथ रख दिया। थोड़ी देर तक तो वह हाथ रखे रहा, फिर उसने धीरे धीरे यहां वहां छूना शुरू कर दिया। कुछ टाइम तक छूते रहने से आसिफ को वहां कुछ हलचल सी महसूस हुई, पर वह देखता है कि वीरेंद्र अभी भी सो रहा है, पर हलचल तो हो रही है। इतनी देर छूने पर भी वीरेंद्र उठ नहीं रहा था, तो आसिफ की हिम्मत और ज्यादा बढ़ गई। उसने हिम्मत दिखाकर वीरेंद्र को और महसूस करवाया और आसिफ थोड़ा घबरा गया, पर मन पर काबू भी कहां था, मन मान ही नहीं रहा था। वीरेंद्र के लिए उसका आकर्षण और बढ़ गया था, रात का समय था, खुद पर काबू भी कैसे करता। इस बार जब आसिफ ने छुआ, अचानक वीरेंद्र का हाथ आसिफ का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लेता है। आसिफ बिल्कुल घबरा जाता है। और अब जो हुआ उस ट्रक में उन दोनों के बीच, हम इस कहानी के अगले पार्ट में जानेंगे। आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है हमें प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगला पार्ट कल सुबह 5 बजे पोस्ट हो जाएगी। स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज वो भी बताएं, और जितना हो सके, जितना ज्यादा हो सके शेयर करें इस स्टोरी को हमारे कम्युनिटी के और लोगों के साथ में, और हमारे चैनल को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें इसी तरीके से जैसा कि आप देते आए हो। आज के लिए तो बस इतना ही दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, लव इज लव।